हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे भक्ति काल की अन्य शाखा के बारे में, जो है सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके अंदर अष्टछाप कवि हुए और उन कवियों के अंदर कौन कौन थे, किस संप्रदाय की स्थापना हुई, किसने संप्रदाय की स्थापना की, मीराबाई रसखान, तथा कृष्ण भक्ति धारा किस प्रकार से आगे बढ़ी और उसकी क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार की प्रकृति थी, इन सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब हम कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों की बात करते हैं, तो वह कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोपी स्वामी, छत्तीस स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, रहीम, रसखान, मीराबाई व तुलसीदास जैसे कवियों के नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हुए थे। जब हम संप्रदाय की बात करते हैं, तो कृष्ण काव्य धारा में अलग अलग संप्रदाय हुए तथा उनसे जुड़े हुए कवि थे। जब हम निम्बार्क संप्रदाय की बात करते हैं, तो उनसे श्री भट्ट, हरिवंश व्यास तथा राधावल्लभ संप्रदाय से संप्रसिद्ध कवि, जो कि हित हरिवंश थे, के नाम से प्रसिद्ध हुए। अन्य संप्रदाय की बात करें, तो हरिदास संप्रदाय की स्थापना भी स्वामी हरिदास ने की थी, और वे इस संप्रदाय के प्रथम और अंतिम कवि थे। चैतन्य संप्रदाय के संबंध कवि गदाधर भट्ट थे। इससे हम पता चलता है कि निम्बार्क, हरिदास संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय तीनों ही कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हुए थे तथा कृष्ण भक्ति से संबंधित कवियों ने इनकी स्थापनाएं की थी। कृष्ण भक्त कवि संप्रदाय निरपेक्ष भी है, जैसे मीरा और रसखान आदि। वह हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जुड़े हुए दिखते हैं। यहाँ तक कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई कहानावत भी राधा कृष्ण के ऊपर ही लिखी गई एक पुस्तक है। कृष्ण काव्य धारा ऐसी काव्य धारा है जिससे सबसे अधिक कवि सम्मिलित हुए। जब हम वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं, जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे, जिन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार श्री कृष्ण से पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म है, मतलब शुद्ध शुद्ध रूप से एक ही परब्रह्म है, एक ही पुरुषोत्तम में पुरुषों में उत्तम है, एक ही ब्रह्म है, वो है श्री कृष्ण। विष्णु संप्रदाय को पुनर्गठन कर वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय के रूप में स्थापना की थी, जिसके रूप में उन्होंने भगवत टीका, सुबोधिनी, अनुभाष्य जैसी रचनाओं की पुस्तकों की रचना की थी। जब हम निम्बार्क संप्रदाय की बात करते हैं, तो निम्बार्काचार्य ने इस संप्रदाय किया था, जिसमें राधा कृष्ण की युगल मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जिसमें द्वैतवाद, भेद अभेद दर्शन का सिद्धांत दिया गया था। और हित हरिवंश राय संप्रदाय मुख्य रूप से राधा को ही प्रमुख मानते थे। उनका मानना था कि कृष्ण को ईश्वरों का ईश्वर माना गया है तथा राधा के माध्यम से ही कृष्ण की प्राप्ति की जा सकती है। जब गौड़ीय संप्रदाय की बात करते हैं, तो हमें चैतन्य संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हुए, के बारे में पता चलता है कि जो कि कृष्ण ब्रिजेश के रूप में मानते थे। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग प्रकार से कृष्ण राधा की पूजा की जाती थी। तथा जब हम मूर्ति पूजा की बात करते हैं, तो निम्बार्काचार्य या निम्बार्क संप्रदाय में उसका प्रारंभ हुआ था। जब हम राधा रानी की अर्थ पूजा की बात करते हैं, कि उनके माध्यम से हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है, तो हित हरिवंश संप्रदाय की बात आती है। तथा वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता को मुख्य रूप से मानकर उन्हें उनके अनुसार पुरुषों में उत्तम शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत देते हुए श्री कृष्ण को ही परब्रह्म के रूप में माना है तथा उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध रूप से ब्रह्म माना है। जब हम अन्य विशेषताओं की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि विद्यापति, जिन्हें हिंदी के प्रथम राधा कृष्ण के ऊपर लिखने का या चरित्र रचने का कवि भी माना जाता है, विद्यापति के द्वारा लिखी गई पदावली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जिसे माधुर्य और भावपूर्ण
है कि चैतन्य महाप्रभु से गाते फिरते थे और भाव वियोग होकर मूर्छित हो जाते थे। ऐसा माना जाता है जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण लीला के गीतों का गुणगान किया करते थे तो वो गाते गाते उसमें माधुर्य में खोकर उस भाव में इतना विलुप्त हो जाते थे कि वो मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। कृष्ण काव्य भक्ति आनंद और उत्साह का एक लोक रंजन संप्रदाय है जिसे सुनकर जिसके रस में खोकर सभी लोग आनंद के साथ उल्लास में इतने मगन हो जाते हैं कि वो अपनी सुध बुध खो देते हैं। कृष्ण काव्य धारा के आधार पर भगवत पुराण और महाभारत माने जाते हैं। भगवत महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था जिसे भगवत गीता कहा जाता है, जिसमें कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद है। वहीं जब हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करते हैं तो उसमें हमें श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से लेकर बड़े होने तक की सभी लीलाओं के बारे में, उनके विषय में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अलग अलग प्रकार की कथाएं देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती है। वहीं हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तक के रूप में विद्यापति को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पदावली में राधा कृष्ण के विषय में रचना की थी। भ्रमर गीत सार का मूल स्रोत भी श्रीमद् भगवत पुराण को ही माना जाता है। भ्रमर गीत सार सूरदास द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने कृष्ण जी के मित्र उद्धव जब कृष्ण जी का पत्र गोपियों को देने के लिए जाता है तो उस समय की उद्धव और गोपियों के बीच की वार्ता को भ्रमर गीत सार में मूल रूप से उतारा है। ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक किया जाता था। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ब्रज भाषा में माधुर्य है, भाव है, जिसके कारण श्रृंगार रस की अधिकता के कारण ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया तथा सूरदास ने भी भ्रमर गीत सार में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। विद्यापति ने जयदेव के गीता गोविंद का अनुसरण करके अपनी रचना का कार्य किया था। जब हम अष्टछाप कवियों की बात करते हैं तो अष्टछाप कवियों में गोवर्धन ने श्रीनाथ मंदिर में अष्ट भागों या अष्ट आठ विधि से सेवा करते थे। तो अष्टछाप की स्थापना की बात करें तो 1500-1565 में विट्ठल दास द्वारा की गई थी। विद्यापति ने जयदेव की गीता गोविंद का अनुसरण किया। विद्यापति की पदावली में नंददास अष्टछापों के कवियों में सबसे विद्वान कवि माने गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन मिला है। वैष्णवों की वार्ता में विट्ठल दास के शिष्य का भी वर्णन मिला है। भ्रमर गीत सार का मूल स्रोत श्रीमद् भगवत पुराण को माना गया है तथा वल्लभाचार्य कृत अनुभाष्य में पुष्टि मार्ग की व्याख्या की गई है। पुष्टि मार्ग ये भक्ति को राग अनुमान भक्ति कहते हैं। इससे हम पता चलता है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के विषय में हमें 84 वैष्णव की वार्ता, पदावली, गीता गोविंद जैसी पुस्तकों में तथा अनुभाष्य में पुष्टि मार्ग के विषय में पता चलता है। अष्टछाप की स्थापना विट्ठल दास द्वारा की गई थी। मीराबाई की बात करते हैं तो मीराबाई स्वयं को एक लोक नायिका है, क्योंकि जब वह कृष्ण के भजनों में गाया करती थी और वह उनमें इतनी मगन हो जाती थी, उन्हें किसी से कोई अर्थ नहीं होता था, कोई मतलब नहीं होता था, वो पूर्ण रूप से उस भाव में खोकर अपनी भक्ति में विलुप्त हो जाती थी, जिसके कारण उनका विरोध भी होता था, लेकिन वह अपनी भक्ति पर डटी रही और सब कुछ छोड़कर कृष्ण को अपनाकर उन्होंने सारे बंधनों को, सारी बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र रूप से कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन करने का साहस किया, जो कि सामाजिक, पारिवारिक और सभी का मुकाबला करते हुए, सभी के विरोध को सहने के बावजूद कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में इस तरह लीन हो गई कि उनके अलावा दूसरा और कोई है ही नहीं। जब उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके परिस्थितियों को अनुकूल कर दिया, उसके पश्चात भी उन्होंने अपने कृष्ण, जिन्हें वह प्रेयसी मानती थी या जिन्हें वह अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी, उनको नहीं छोड़ा और उनके पदों को, उनके गीतों को उसी प्रकार गाती रही, और जो कि मीराबाई के
की ग्रंथावली या पदावली में संग्रहित किए गए हैं। मीराबाई कृष्ण काव्य धारा की एक प्रमुख कवित्री है। जब कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्ति की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कृष्ण के स्वरूप का सर्वज्ञ वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण जी का स्वरूप था, वो बाल अवस्था में कैसे थे, युवा अवस्था कैसी थी, तथा उनके द्वारा की गई अलग अलग कार्यों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन देखने के लिए मिलता है। ईश्वर का सर्वज्ञ रूप का अवतार मिलता है कि किस प्रकार महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तथा अपने सर्वज्ञ रूप से के दर्शन करवाए थे। मूल रूप से श्रीमद् भगवत पुराण की ऊपर आधारित है कि वहां भागवत पुराण में बताई गई कथाओं के ऊपर आधारित इस का वर्णन किया जाता है। जब श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन की बात करते हैं तो वह रीति तत्वों का समावेशन हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार कुछ कवियों ने कवियों की रचनाओं में रीति तत्व का समावेशन है, जिसमें सूरदास नंददास का उल्लेख हमें मूल रूप से देखने के लिए मिलता है, जहां वह नायक नायिका के रूप में साहित्य के भेद का वर्णन करते हैं। नंददास रूपमंजनी रसमंजनी रचनाओं में नायक नायिका का भेद वर्णन करते हैं तथा बताते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण और राधाओं का वर्णन भी देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने किस प्रकार की लीलाएं रची तथा किस प्रकार के वर्णन हमें पुरानी कथाओं में देखने के लिए मिलते हैं। जब हम विषय वस्तु की मौलिकता के बारे में विचार करते हैं तो वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य को यह आदेश दिया था कि वह दशम स्कंद के आधार पर कृष्ण लीलाओं का वर्णन करे, लेकिन यह भी सत्य है कि कृष्ण कवियों ने भले ही भगवत पुराण को अपना काव्य का आधार माना हो, लेकिन फिर भी उनके मौलिकता सर्वत्र देखी जा सकती है कि किस प्रकार उसमें उन्होंने भगवत पुराण में जो गोपियों की प्रार्थना पर ही लीलाओं में भाग लेते थे, श्री कृष्ण के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के चित्रण हमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा में देखने के लिए मिलते हैं, कि भगवत पुराण में कृष्ण को ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन कृष्ण काव्य में कृष्ण को एक सामान्य मानव के रूप में दिखाया गया है। यह हमें उसकी मौलिकता के विषय में बताता है कि कितनी मौलिक कृष्ण काव्य धारा की विषय वस्तु है। जब हम भक्ति भावना की बात करते हैं तो हम पता चलता है कि भक्ति भाव कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। यहाँ भक्ति अनेक रूप से देखने के लिए मिलती है, जब मुख्य रूप की बंधवधा भक्ति भी मिलती है, परंतु वात्सल्य सांख्य और दंपत्य भाव हमें मूल रूप से देखने के लिए मिलता है। जब हम वात्सल्य भाव की बात करते हैं तो हमें यशोदा और श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव का रूप का या उनके वर्णन के विषय में भक्ति देखने के लिए मिलती है। जब हम सख्य भाव की बात करते हैं तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता के विषय में, सखा के रूप में किस प्रकार ईश्वर और एक मनुष्य की मित्रता के वर्णन देखने के लिए मिलता है। जब हम दाम्पत्य भाव की बात करते हैं तो पति पत्नी अब कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना, जिस प्रकार मीरा जी ने किया था, हमें इस प्रकार का दाम्पत्य भाव भी देखने के लिए मिलता है। तो भक्ति भावना के रूप में नवदा भक्ति, वात्सल्य भाव, साख्य भाव और दाम्पत्य भाव कृष्ण काव्य धारा का प्रधान है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं कि प्राकृतिक वर्णन कैसा है, तो वह यहाँ देखने के लिए मिलता है कि कृष्ण काव्य धारा में प्रकृति में काफी रुचि ली गई है। वहां उन्होंने गोकुल, गोवर्धन, यमुना तट तथा वृक्षों के विषय में, गायों के बारे में, प्रकृति में हो रही उस समय की घटनाओं के बारे में पूरा वर्णन किया है कि किस प्रकार कवि ने बताया है कि किस प्रकार कृष्ण ब्रज मंडल में रहते थे तथा वहां का सौंदर्य कितना सुंदर है और उसका क्या भाव है, वह सभी प्राकृतिक वर्णन के माध्यम से बताया गया है। जब हम भक्ति रस की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि संपूर्ण कृष्ण काव्य ही एक रस है जिसमें हम भक्ति रस कहते हैं। वैसे अनेक विद्वान भक्ति को रस नहीं मानते, लेकिन भक्ति रस ही एक ऐसा रस है जो हमें कृष्ण
कवियों की रचना में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। वैसे इसे मुख इस इसे इसमें मुख्यतः जब हम रसों की बात करते हैं तो हमें श्रृंगार रस, शांत रस का ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन सभी से ज्यादा भक्ति रस की अद्भुत असर हमें कृष्ण काव्य धारा में देखने के लिए मिलता है। जब हम कला पक्ष की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राय कृष्ण भक्त कवियों ने साहित्य को ब्रज भाषा में लिखा है, और कवि ब्रजमंडल के मुहावरे लोक्तियों का सुंदर प्रयोग करते हैं कि किस प्रकार वे अपने दृष्टिकोण को शब्दों के शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों अलंकारों का प्रयोग करके प्रस्तुत करते हैं। उसमें वह यमक श्लेष रूपक मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग करते हैं, चौपैया चौपाई सेवैया गीत छंद के माध्यम से भक्ति को ये श्रृंगार रस को प्रस्तुत किया जाता है। और यह धातव्य है कि कृष्ण गीत शैली को अपनाया गया है कि उन कृष्ण की पूजा करने के लिए अधिकतर गाकर ये गीत की शैली का वर्णन किया जाता है, जिसमें संगीतात्मकता रागात्मकता प्रवृत्ति हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार के विभिन्न राग हमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा में देखने के लिए मिलते हैं। जब हम सूरदास जी की बात करते हैं तो उनका प्रसिद्ध दोहा है कि प्रभु हे सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस चोरी के होते ते जन्म ही को है। जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, वही कृष्ण कृष्ण श्री शाखा या कृष्ण काव्य धारा के कवि कहलाए। अगर हम कृष्ण श्री शाखा की बात करें तो कृष्ण श्री शाखा कृष्ण की भक्ति या फिर विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की पूजा करने वालों को ही कृष्ण श्री शाखा या कृष्ण काव्य धारा कहा गया है। जब हम पुष्टि मार्ग की बात करते हैं जो कि वल्लभाचार्य द्वारा दिया गया था, वल्लभाचार्य संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत की बात करें तो शुद्ध द्वैतवाद था, जिसमें साधना मार्ग के द्वारा पुष्टि मार्ग कहा गया है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ भगवत गीत श्रीमद् भागवत गीता है। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने चार कवियों को दीक्षा दी थी, जिसमें सूरदास, परमानंद दास व कृष्णदास थे। पुष्टि मार्ग रागात्मक भक्ति है जो कि भक्ति कृपा से भगवत कृपा से भक्त को प्राप्त होती है, और इसका मुख्य लक्षण प्रेम लक्षणा भक्ति है, अर्थात श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कृष्ण काव्य धारा की मुख्य विशेषता यह है कि श्रृंगार रस में प्रेम के साथ साथ विरह भी हमें देखने के लिए मिलता है, इसी कारण इसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहती है। जब कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के साक्ष्य हमें जयदेव की गीता गोविंद में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि संस्कृत में, राजाहाल सातवाहन में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि प्राकृत भाषा में रची गई गाथा सप्तशती में हमें मिलते हैं। उसके अलावा चांड दास जो कि श्री कृष्ण कीर्तन जो कि बांग्ला में है, विद्यापति की पद्मावली पदावली जो कि मैथिली में है, और मलिक मोहम्मद की कहानावत, सभी में हमें कृष्ण काव्य कृष्ण भक्ति की धारा देखने के लिए मिलते हैं। जब भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल में अष्ट छाप या अष्ट सखा के नाम से प्रसिद्ध आठ कवि हुए, जिसकी शुरुआत वल्लभाचार्य ने की थी शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत तो देकर, और अपने चार शिष्य को दीक्षा देकर, जिन चार शिष्यों में सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास जी थे। आगे चलकर वल्लभाचार्य के पुत्र गोपीदास हुए, जिनकी मृत्यु के पश्चात विठल दास ने और चार अन्य शिष्य को शिक्षा प्रदान की या दीक्षा दी, जिसमें उन्होंने नंददास, छत्तीस स्वामी, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी हुए, जो इन आठ लोगों की टोली बनाई विठल दास जी ने, जिसे अष्ट छाप या अष्ट सखा कहा गया। इन आठ कवियों के साथ साथ कुछ संप्रदाय निरपेक्ष कवि भी हुए, जो कि उस समय में कृष्ण काव्य धारा के लिए कृष्ण भक्ति में महत्वपूर्ण है, जिसमें मीराबाई, रसखान, रहीम और जायसी प्रमुख है। जब हम इन अष्ट छाप कवियों की बात करते हैं तो इनका काम कार्य था कृष्ण भक्ति करना, उनके लिए पद लिखना, उनको गाना, और इसमें सर्वोपरि सूरदास जी का नाम लिया जाता है, या सर्व प्रमुख सूरदास जी है, जिन्हें अष्ट छाप का जहाज भी कहा जाता था, जिनकी लोकमंगल की साधना अवस्था और सिद्ध अवस्था की बात की गई। जब हम साधारण अवस्था की बात करते हैं तो उसमें संघर्ष होगा, क्योंकि वह आम जीने आम मानस के जीवन की बात करेगा, उनके लोक मानस की बात करेगा, तो हम देखते हैं कि कबीर दास जी के
देखने के लिए मिलता है कि वह किस प्रकार उस समय प्रस्तुत कुरीतियों के बारे में आम मानस को जागरूक करना चाहते हैं तथा आम जनमानस की समस्याओं को समझते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास जी के काव्य में हमें राम राज्य की या फिर झलक देखने के लिए मिलती है, जो चाहते हैं कि उस समय के आम जनमानस के लिए लोक मंगल की भावना रखे। इसी प्रकार की भावना हमें भारतेंदु के साहित्य में देखने के लिए मिलती है, जो कि जनसाधारण को वंचित लोगों के लिए लिखते हैं तथा वो चाहते हैं कि उनको जो उनका अधिकार है वो प्राप्त हो। जब हम सिद्ध अवस्था की बात करते हैं तो वहां समाज से कोई मतलब नहीं होता, वहां ईश्वर भक्ति ही सर्वोपरि होती है, जैसे हमें सूरदास, बिहारी, पद्मावर में देखने के लिए मिलता है। जब हम मीराबाई की बात करते हैं, मीराबाई को भी सिद्ध अवस्था मान जा सकता है, क्योंकि उनका बहुत विरोध हुआ उनके लिए उनके अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की गई, परंतु उन्होंने कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा, वह उस पर अड़ी रही और उसे ही मानती रही। इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हमें प्रकृति से प्रेम भी देखने के लिए मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।